तो आपसे प्रश्न किए गए, चार प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न ये किया गया आपसे कि भाई आपकी कौन सी बिलीव्स हैं जो आपको रोकती हैं जिंदगी में आगे बढ़ने से। दूसरा प्रश्न ये किया गया कि कौन सी चॉइसेस ऐसी ली आपने जिंदगी के अंदर जिन चॉइसेस की वजह से आपको लगता है कि यार इससे बेहतर ले लेता तो ज्यादा अच्छा कर लेता। ऐसे बहुत सारी चॉइसेस होती है क्या? नहीं। तीसरा क्वेश्चन कि आप अपनी जिंदगी से इस प्रेजेंट में सैटिस्फाइड हैं? सोचिए। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो क्यों है भाई? अब आपको क्या पता है कि आप एज अ ह्यूमन कैसे इवॉल्व होंगे, कैसे ग्रो करेंगे अपनी जिंदगी में, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये चार प्रश्न किए हमने, और हम थोड़ा थोड़ा आंसर चाहेंगे इससे, जो भी आपके दिमाग में आए, और इस पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एम है कि भाई आप कुछ सोचने लग जाएं जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा ही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है, कहीं पे नहीं होती ऐसी पढ़ाई जिसमें बिलीव्स के बारे में बताया जाता है, चॉइसेस के बारे में बताया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि भैया जिंदगी में सैटिस्फाई कैसे रहें और कैसे अपनी जिंदगी में ग्रोथ करें। करियर ग्रोथ तो बता दी जाती है, पर जिंदगी की ग्रोथ कैसे हो ये नहीं बताया जाता। तो एक बार आंसर दीजिए, और जब आप सोचेंगे तो आंसर आएंगे आपके दिमाग में। तो कौन से बिलीव्स हैं? जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि मेरा एक बिलीव बना लिया अगर मैंने कि भाई मैं अगर अपने घर वालों के साथ रहा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, तो एक बिलीव है। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा बिजनेस चालू करने के लिए तो मैं बिजनेस चालू ही नहीं कर सकता, एक और बिलीव। तो ऐसे तमाम बिलीव दिमाग में आते रहते हैं, और वो बिलीव ही हैं जो हमें चलाते हैं। तो ऐसे कौन से बिलीव बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको सताते हैं? क्योंकि मैंने उस लड़की से प्यार कर लिया इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने उस लड़की से प्यार नहीं किया इसीलिए मैं दुखी रहता हूं अपनी जिंदगी में। सोचिए, ऐसे बिलीव चलते हैं। तो ऐसे कौन से बिलीव्स हैं? कोई तो बिलीव बताइए। आपके बिलीव चाहे अच्छे या बुरे हो उसको मत सोचिए, आप बताइए आपके बिलीव्स क्या क्या है। लगता हाँ, बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि अगर मैं सुबह मेरा टाइम टेबल के अनुसार नहीं उठा, या मैंने जो सोचा उस टाइम पे मैं नहीं उठा, तो मेरा पूरा दिन बर्बाद है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। हाँ, और आपको क्या लगता है, आपकी बिलीफ क्या है कि पर्सनालिटी क्या होती है? ये कह रहे हैं कि पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो इनको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस इस वजह से गिरता है। किसकी पर्सनालिटी अच्छी होती? चार्मिंग। चार्मिंग में क्या होता है? चार्मिंग को अगर खोल के देखोगे तो गुड लुकिंग। गुड लुकिंग भी कौन होता है? ये भी बिलीफ है। आप अफ्रीका में जाओगे तो वहां गुड लुकिंग है, चाइना में जाओगे वहां भी गुड लुकिंग है, समझिए ना। सोमालिया में जाओगे उनके खुद के गुड लुकिंग लोग होते हैं, पर हमने अपने नदन इंडिया जो है हमारा, उसमें हमने कुछ गुड लुक्स के बिलीव्स बना लिए, हमने बना लिए इस तरीके से अगर होंगे हम तो हम सुंदर होंगे, अगर इस तरीके से हैं तो हम सुंदर है ही नहीं। सोचिए, आपके चश्मे के ऊपर अगर स्क्रैच है तो आपको क्या लगेगा? आपको हर इंसान में स्क्रैच दिखेगा। और अगर आपने अपने चश्मे को लाल करवा रखा है, यानी लाल चश्मा पहनते हैं आप, तो आपको सब कुछ लाल दिखेगा। और ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में, हम कुछ नहीं है, हमारे बिलीव्स हैं। हमारे बिलीव्स जो हैं वो हमारा माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट जो है वो माइंड है, और माइंड जो है वो हम है। हाउ इट वर्क्स, आपका माइंडसेट क्या है, आपको आपके बिलीव्स चला रहे हैं दोस्तों। ऑर्डिनरी इंसान की जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीफ सिस्टम होते हैं तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनता है। मैं आपसे एक लाइन बुलवाता हूं, आप मेरे साथ पूरे जोश के साथ बोलिएगा। आप बोलिए, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ लेजेंड, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ लेजेंड, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक।
बताइए, चार लाइनें हैं, कहने को सिर्फ लाइन है, पर अगर ये बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर बन गया कि आई एम अ चैंपियन, मैं तो चैंपियन हूं, आई एम अ लेजेंड, मैं तो लेजेंड हूं, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, आई एम यूनिक, मैं हटके हूं औरों से, इस बिलीफ सिस्टम को अगर हम अपने दिमाग के अंदर स्ट्रांगली बनाए और फिर कोई काम करें और एक बिलीफ सिस्टम बना दें, आई एम अ फेलियर, बोलिए बोलिए बोलिए, आई एम अ फेलियर, आई कांट डू एनीथिंग, आई एम अ लूजर, आई एम ऑर्डिनरी, सोचिए अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तो साधारण हूं, मेरी क्या वैल्यू है, मैं तो लूजर हूं, मैंने कितनी बार जीतने की कोशिश की पर मैं हार गया, अरे मेरे से तो मेहनत ही नहीं होती जीतने के लिए, मैंने तो एक दो बार मेहनत भी की थी पर मैं हार गया था, मैं तो फेलियर हूं, मैं तो फेलियर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। अगर आपको खुद को बदलना है तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा, आपने जिन चीजों पे भरोसा कर लिया है, जो आपका विश्वास बन गया है आपके आसपास, वही आपकी वास्तविकता बन के आपकी जिंदगी में आ रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से आपने अपने दिमाग को जितना बड़ा बना लिया है, आप उतना ही करेंगे अपनी जिंदगी में, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप अपनी जिंदगी में। आपको क्या लगता है, आपने ऐसी कौन सी चॉइसेस ली हैं अपनी जिंदगी में जिसकी वजह से आपको कोई खामियाजा भुगतना पड़ा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भाई ये कह रहे हैं कि अगर ये साइंस की जगह आर्ट ले लेते, काश ये साइंस की जगह आर्ट ले लेते तो यूपीएससी में ये आईएएस की तैयारी कर लेते और फिर उसमें निकल जाते, पर क्योंकि इन्होंने साइंस ले ली तो उसकी वजह से हो सकता है कि अब ये जब तैयारी करेंगे तो इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत अगर ये नहीं कर पाए तो ये नहीं निकल पाएंगे आईएएस में। सोचिए, ये दिमाग में चल रहा है इनके, एक चॉइस, काश। अभी आपको इतनी मुश्किल हो रही है सोचने में, पर आपको सच सच बताऊं तो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा जो चलता है वो काश ही चलता है। सर, काश मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ झूठ नहीं बोलता तो हमारा रिलेशनशिप अभी चल रहा होता, ब्रेकअप हो चुका है सर। काश ये अपनी गर्लफ्रेंड से सच बोलते तो आज ये उसके साथ होते, बेचारे नहीं है, बहुत दुखी है इस वजह से। और बताइए। तो सोचता हूँ कि यार और कहीं बाहर निकल जाता तो आज अब्रॉड में होता और अच्छा काम कर रहा होता। जैसे लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में काफी अच्छे काम है, डेवलपमेंट है, तो जितना इतनी मेहनत यहाँ की होगी फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा, मतलब जिस मकसद से कंप्यूटर फील्ड में आए और सोचा कि कुछ और करेंगे तो नहीं कर पाए, तो एक टाइम पे डिसीजन लेके कुछ मतलब, लेकिन फिर भी स्टिल लगता है कि यार जो काम कर रहे हैं उसको अपन अगर बेस्ट करें, क्योंकि अब तो जो टाइम निकल गया उसको तो कुछ कर नहीं सकते, अब जो कर रहे हैं उसमें अपन कैसे बेस्ट कर सकते हैं उसी में ही है कुछ और, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो कभी होता ही नहीं आदमी को, कभी भी लाइफ में होता नहीं सेटिस्फेक्शन, लेकिन सेटिस्फाई से आप ये हमेशा हैप्पीली सेटिस्फाई करना चाहिए कि आप खुश रहो अपने काम से और उसको इंजॉय करके आगे बढ़ने का सोचो, तो मैं उसमें सोच रहा हूँ। अच्छा चलिए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कितने लोग यहां पर अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, हाथ खड़ा करें, आई एम सैटिस्फाइड, थोड़े कम है। कितने लोग यहां पर हैं जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, हाथ खड़ा करें, जस्ट रेज योर हैंड, फुल रेज योर हैंड प्रॉपरली। अब क्यों नहीं है, इसका आंसर देंगे दो, गिव, कोई भी दीजिए। Sir, first of all, I would like to thank you. In the absence of you, I have all your topics and your voice is always with me in my mobile and in my laptop. And in whenever I depressed in my entire life, I listen to you. So, sir, thank you so much. And my question is, whatever I have done in my life, the decision that I have make, it's not fully completed. I went to Kota for study, for PMT studies, and I was not selected. I fall in love in a relationship, and
वी वर बोथ इन लव बट अकॉर्डिंग टू फैमिली सिचुएशन माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस एंड आई मूव असाइड एंड ही शी इज ऑलरेडी टेकन इन एडमिशन इन भोपाल मेडिकल कॉलेज एंड आई एम फाउंडिंग माई सेल्फ नथिंग इन लाइफ नो वेयर इन लाइफ आई फाउंड माई सेल्फ अ लॉस समवेयर वट आई एम डूइंग आई एम डूइंग बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम Manipal University, as I have already told to you, I have come before here. So I'm a confused man sometimes. So I'm not satisfied. Okay, that's why he is not satisfied, because of n number of choices he has taken in his life, and he thinks ki that those were the wrong choices somewhere. A dissatisfaction is there. Kaash, papa bimar nahi hote. Ek kaash, mera padhai mein man lagta. Kaash. हम दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता. काश मैं वापस जयपुर नहीं आता. एन नंबर ऑफ चीजें चलती. काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता. तो ये सब होता है. देखिएगा, हर चीज इससे इंटरलिंक्ड है. कई बार कुछ लोगों से हम बोलते हैं, बोलने को तो वो बोलते हैं मेरे से क्यों बोल रहे हो, ये मेरे लिए थोड़ी ना है, ये तो बाकियों के लिए है यार. सर मैं भी थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि लाइक अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो अभी इतना कोई लोड भी नहीं है पढ़ाई का कि पढ़ाई करना है ये करना है. और पेरेंट्स भी बोलते हैं कि चल चित्रा चाल को जाना है घूमने सब, और उधर ज्यादा ये भी नहीं कि इस टाइम पे घर आ जाना है फिर उस टाइम पे तो घर आना ही आना है, ऐसा कुछ भी है नहीं. मैं आपको मौज का सेटिस्फेक्शन नहीं पूछा मैंने आपसे. वो ना कि है ना अभी मस्त चल रहे हो क्या जिंदगी में? अरे सर कुछ है ही नहीं, मस्ती कर लो, जहां जाना है वहां जाओ, रात में सोना है कहीं पे किसी के घर पे सो जाओ, दोस्तों में घूमो फिरो ऐश मारो. मैं जिंदगी का सेटिस्फेक्शन पूछ रहा था. आप ओवरऑल अपनी पूरी लाइफ से सेटिस्फाइड है या नहीं है? जो आपके रिश्ते हैं, आपका जो हेल्थ है, जो आपका करियर है, जो आपकी ग्रोथ है पर्सनल, इन सब चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है क्या कि हम सेटिस्फाइड है या नहीं है? ये वाली बात है. ये मस्त है कि प्रेजेंट में हूं, अभी तो सेटिस्फाइड हूं, और ऐसे ही होना चाहिए. ज्यादातर लोग ऐसे होते भी हैं और होंगे तो अच्छा भी है, पर साथ के साथ एक विजन भी है कि एग्जाम थे तो अनसेटिस्फाइड था सर, बहुत परेशानी थी, एग्जाम जैसे खत्म आई एम ऑल सेटिस्फाइड. इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए. सर मेरे को मेरी पढ़ाई को जितना टाइम देना चाहिए उतना मैं दे नहीं पाता एक्चुअली, तो मैं उससे ज्यादा अपने फ्रेंड्स को टाइम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें टाइम ना दूँ पर एक्चुअली देना पड़ता है तो दे देता हूँ उन्हें टाइम, तो इसलिए मेरा टाइम वेस्ट होता है. और मेरे को अपना उससे ज्यादा ध्यान उन्हें अपनी पढ़ाई पर लगाना एक्चुअली, क्योंकि ट्वेल्थ है मेरी तो उस पर ध्यान लगाना, इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं अपने टाइम से पढ़ाई. आप टाइम मैनेजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है और आप देना चाहते हैं पर आप दे नहीं पाते, फिर आप जिसको नहीं देना चाहते आप उसको दे बैठते हैं और इस वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं. ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. अगर आप जानवरों को देखें या फिर आप फ्लाइज को देखें, इंसेक्ट्स को देखें, उनकी जिंदगी नेचर पे डिपेंड होती है. वो जैसे पैदा हुए हैं वो वैसे ही मरते हैं. एक मधुमक्खी जो है वो अपना छत्ता जैसे 1.5 लाख साल पहले बनाती थी आज भी वैसे ही बनाती है. यस नो? आज भी वैसे बनाती. पर जो इंसान है वो ग्रो कर गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंसान के पास ही सबसे पहली शक्ति होती है जो क्या है, चॉइसेस लेना. सिर्फ इंसान ही तो चॉइस ले सकता है, तभी तो वो बदलता है. इंसान कितना बदल गया बताइए, पहले गुफाओं में रहता था और अब 5-स्टार होटल्स जैसे घरों में रहता है. तो इंसान बदला है, बदला या नहीं बदला? चेंज देन ग्रो, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर बिकमिंग ग्रेट एज कंपेयर टू अदर्स. समझिए, और ये सिर्फ किसकी वजह से है? चॉइसेस की वजह से. आप इमेजिन करिए अभी जो जो बातें आपने करी उसको, इतनी सारी बातें हमने आपसे करवाई, हमने कुछ नहीं बोला भाई, हमने आपसे करवाई और हमने देखा इसको, ऑब्जर्व किया कि लोग अपने पास्ट के रिग्रेट्स में बहुत हैं, अपने पास्ट के गिल्ट में बहुत हैं. काश मैं ऐसा कर लेता. वो कहा जाता है ना, मुंह से निकला हुआ और हाथों से लिखा हुआ सबसे जो कहते हैं ना नेगेटिव सेंटेंस होता है वो यही होता है कि काश मैं ऐसा कर लेता. क्योंकि वो रिग्रेट, वो गिल्ट क्या करेगा, आपकी लाइफ को नीचे धकेलता है. आप लाइफ में ऊपर कैसे जाओगे, आप गो अप कैसे करोगे? गिव अप तो हम बहुत आसानी से कर जाते हैं,
पर ग्रो अप कब होगा अपनी जिंदगी के अंदर? वो तभी होगा जब आप अपनी चॉइसेस को बहुत ऑब्जर्व करें और वो फ्यूचरिस्टिक वे में देखें। सोचिएगा एक बार, अभी जो माइंडसेट है मेरा वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। दिमाग के अंदर क्या चलता है? बहुत सारे नेगेटिव चीजें चलती हैं। मेरे आसपास का माहौल भी बहुत नेगेटिव है, सिचुएशंस इतनी नेगेटिव है सर, लोग इतने नेगेटिव है मेरे आसपास, मैं क्या करूं? तो मैं उनको क्या बोलता हूं, फ्यूचर में देख, एक बिगर पिक्चर देख, अपनी जिंदगी के विजन को क्लियर कर कि तेरे को करना क्या है, वो तेरे को शक्ति देगा। हमेशा याद रखिए, आपको जो बनना है वो फ्यूचर जो है वो आपको खींचता है तमाम नेगेटिविटी से जो अभी इस पल आपकी जिंदगी में चल रही है। आप उसके सहारे ही तो आप जिंदा रह सकते हो दोस्तों, नहीं तो आप देखोगे तो क्या है जिंदगी। हम पढ़ते हैं पेपर के अंदर कि कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, दिल रोता है यार, दिल रोता है। और उन्हीं को देख के मैं इन प्रोफेशन में आया हूं, जिंदगी के प्रोफेशन, कि भाई लोगों को एटलीस्ट ये तो समझा पाए कि बेटर चॉइसेस ले लेते यार, मरने की चॉइस क्यों ली? सर दर्द हो तो गला काट दो, ये कौन सी थ्योरी है? सर दर्द हो रहा था यार, बहुत तेज हो रहा था तो गला काट दिया। सोच आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा कि प्रेजेंट सिचुएशन जो नेगेटिव चल रही है उसकी वजह से आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आप एक नेगेटिव से बहुत सारे नेगेटिव्स में फंस जाते हैं, चलता रहता है आपके दिमाग में और आप बेहतर चॉइसेस नहीं ले पा रहे अपनी जिंदगी के अंदर जो आप ले सकते हैं। अगर मम्मी ऐसी होती, पापा ऐसे होते, अगर मेरी ये लड़ाई नहीं हुई होती, अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ नहीं बोला होता, अगर मैं अपने दोस्तों को टाइम नहीं देता, अगर मैं उसका यह कहना मान लेता, अगर मैं उससे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करता। सोचिए हमारे दिमाग में ऐसे ज्यादा चलता है, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, या फिर ऐसा चलता है अगर ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। अपने करियर की बात कर लीजिए, मैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, मुझे तो डर लगता है स्टेज पे आके बात करने में, क्या करूं, मैं तो अच्छा नहीं दिखता, क्या करूं, मेरे तो ये दिक्कत है लाइफ के अंदर, वो दिक्कत है। सोचिए मेरी हेल्थ को लेकर मैं इतना मोटा क्यों हूं, मैं इतना ज्यादा पतला क्यों हूं, मैं काला क्यों हूं, भगवान ने मेरे बाल ऐसे क्यों बनाए, मेरी नाक इतनी मोटी क्यों बना दी, मेरी हाइट इतनी छोटी क्यों है, मैं मोटा क्यों नहीं हूं, मैं पतला क्यों नहीं हूं, व्हाटएवर। सोचिए एक बार कितना चलता है ये दिमाग में, चलता रहता। हमारा खुद का घर नहीं है, इन विचारों की चॉइसेस कौन ले रहा है बताइएगा? आप ही तो ले रहे हैं, आप ही के तो बिलीफ सिस्टम है जो दिमाग में बन गए हैं ऐसे कि आपका ध्यान हर वक्त इन चीजों पे ही जाता है जो आपके पास नहीं है। आई एम ओनली फोकस्ड ऑन व्हाट आई डू नॉट हैव, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट आई कैन डू विथ व्हाट आई हैव। हर वक्त मोर देन, ज्यादा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे बेटा, हम ये बोलेंगे डायमंड रिंग के लिए सोचो, पर ये जो उंगलियां दी है ना भगवान ने, इनके लिए थैंकफुल रहो। सोचो कि हां, इस गाड़ी से, इस छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी ले लेंगे, उससे और बड़ी गाड़ी ले लेंगे, पर ये जो छोटी गाड़ी है ना, इसके लिए रियलिटी में धन्यवाद दो। फील गुड अबाउट इट, फील थैंकफुल अबाउट इट, और मेयर थैंक्स नहीं, हां ठीक है ये है गाड़ी मेरे पास, हां हां धन्यवाद धन्यवाद। दिल से महसूस करना उस चीज को कि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है यार, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मुझको इतनी परेशानियां क्यों दी। इसको बदल सकते हैं इस लाइन को, भगवान तूने मुझे इतना कुछ क्यों दे दिया, भगवान तूने मुझे इतने वरदान दिए, इतना अच्छा बनाया, इतना कुछ दे दिया, भगवान तूने मुझको ही क्यों दिया, उन गरीबों को क्यों नहीं दिया, मुझको क्यों दे दिया इतना कुछ। कैसा सोचते हैं हम, यही तो माइंडसेट है यार, यही तो आपका बिलीफ सिस्टम है, यही तो आपके चॉइसेस हैं।
जो आपको बना रहे हैं बिगाड़ रहे हैं, बना रहे हैं बिगाड़ रहे हैं। आप जो बने हो आज इस जिंदगी में अभी तक, वो आपके चॉइसेस, डिसीजंस, स्टेप्स जो आपने लिए हैं अपनी जिंदगी में, उसी से बने हो। अगर आपने प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए होते, प्रोग्रेसिव डिसीजंस लिए होते, तो आज ये स्थिति नहीं होती जो आप बोल रहे हो कि मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। हर पल हमारे पास चॉइस होती है भाई, कि हम जो करें अपनी जिंदगी। किसी से बात कर रहे हैं तो चॉइस है कि अगर वो गुस्सा भी कर रहा है तो हम प्रेम से बात करेंगे, ये मेरी चॉइस है। कैन वी टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर लाइफ? अरे कोई पिक्चर पेंटिंग भी बनी है तो वो एक एक ब्रश से बनी है, ध्यान रखिएगा। ये बिल्डिंग भी बनी है तो एक एक ईंट से बनी है, ध्यान रखिएगा। ये इंसान भी जो बनता है वो एक एक चॉइसेस से बनता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी एक एक चॉइस डिसाइड करेगी आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर। क्योंकि जो पैदा हो गए हम, तब वो तकदीर तो लिख दी जो भगवान ने लिखी है। हम क्या चॉइस लेते हैं हर वक्त? चैंपियन, द बेस्ट, लेजेंड, यूनिक, या फिर लूजर, फेलियर, आई कांट, आई एम वर्थलेस, मेरी क्या औकात है? उसको अपनी जिंदगी में लगाना होता है, उसको अपनी जिंदगी में लगाना होता है। हाँ, मोस्ट चाहिए मुझे, अरे मुझे बहुत आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में। बोलिए इस वर्ड को, आई नीड मोस्ट, आई हैव इनफ, आई नीड मोस्ट एंड मोर, आई नीड मोर देन इनफ। क्या लाइन्स है? सिंपल सी लाइन्स है, सिंपल सी लाइन्स। मोस्ट चाहिए मुझे, मोस्ट एंड मोर चाहिए, और ज्यादा से भी अधिक ज्यादा, पर मेरे पास पर्याप्त है। आई एम इनफ, आई नीड मोर देन इनफ। तो जो इनफ है वो आपको सैटिस्फेक्शन देगा दोस्त, वो आपको सैटिस्फेक्शन देगा। जब आप ये सोचते हो आपके पास क्या नहीं है और इसी को सोचते रहते हो, उसके लिए काम नहीं करते, तो फिर आपका माइंडसेट नेगेटिव पे नेगेटिव होता चला जाता है दोस्त, और उस वजह से आपको दिक्कतें होती है लाइफ में। एज अ इंसान कैसे ग्रो करोगे बताओ, थिंक ऑफ इट। सर सोचता तो बहुत सारा हूं कि सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, सडनली मूसा का फोन आता है और मेरे साथ पीडी पे पहुंच गया सर। बिल्कुल, उसको चेंज करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। और भाई, आदमी जब सीखना बंद कर देता है तो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे। जैसे सर आपकी क्लास में भी आते हैं तो हमेशा कुछ मोटिवेशन मिलता है। लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जैसे अगर गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो आपको कभी भी दिक्कत दे सकती है। वैसे लाइफ में हमको अच्छे विचार आते रहे, पॉजिटिव आता रहे, अच्छे लोगों के साथ में रहे, और हमेशा जो बनना चाहते हैं जिंदगी में उन लोगों को ज्यादा उनके साथ रहे, बजाय कि जो नहीं बनना चाहते हैं उन लोगों के साथ में। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव लाइफ में चलता रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमारी डेस्टिनेशन फिक्स है, हमारा लक्ष्य फिक्स है, तो छोटी चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। कई बार होता है कि हम छोटी चीजें ध्यान देते हैं और बड़ी चीजें भी फोकस नहीं कर पाते जो हमें वास्तव में करना है। तो अगर बड़ा मकसद है, बड़ा लक्ष्य है, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती है। और हमेशा यही है कि कुछ ना कुछ जैसे जो चाहते हैं लाइफ में उस पर फोकस करें, और जो जैसे आप हमेशा बताते हो कि नहीं है कोई नहीं, उसको तो ध्यान रखना है, लेकिन उस पर काम करना है लगातार। लोग सोचते बहुत कुछ है लेकिन काम नहीं करते उस पर। आप सोचिए इसको, अपने आप सोचिए कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। वो पॉइंट्स भी आपको बहुत काम आएंगे, हम भी आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, पर आप सोचिए। सर आई थिंक मनी एंड पॉजिटिव थिंकिंग इज द बेस्ट टू हैव सक्सेस इन लाइफ। So because if we have money, then we have, then we can get happiness. And like if we have girlfriend, then we can give her happiness, and we can give our parents to the parents what they want. And if we have positive thinking, then we have money. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। बोला कि पैसा है और सकारात्मक सोच है तो आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर लेते हैं, और सच बात भी है। ठीक है, और बताइए, human being कैसे evolve हुआ? जैसे हम डार्विन थ्योरीज पढ़ते हैं और डार्विन थ्योरी में बताते हैं कि हम लोग जानवरों से आए, जानवर जो हैं वो इंसेक्ट से आए, इंसेक्ट जो आए वो एक लार्वा से आए, पानी के कीड़े थे, इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं हम सारे लोग। लाखों करोड़ों साल में इंसान इंसान बना है एक्चुअली।
और इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं. आपको पता है हमारी बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं? हाउ मेनी सेंसेस डू वी हैव इन आवर बॉडी? फाइव. और सिक्स सेंस भी बताते हैं कि इंसान ही है, ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर सिक्स सेंस होते हैं. क्या इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि वो फाइव सेंसेस कौन से होते हैं? जैसे एक एक करके लेते हैं. हम सबसे पहले लेते हैं अपना टेस्ट. अब टेस्ट जो है वो किससे आया होगा? जैसे आपको पता है हमारे फाइव एलिमेंट्स होते हैं, कोर एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है अर्थ. अर्थ. अब ये जो अर्थ है बेसिकली इस ये मैनिफेस्ट हुआ है टच सेंस के लिए. और सबसे पहले प्लांट्स स्टार्ट हुए थे इस पृथ्वी पे, जो वन सेंस होते हैं. प्लांट्स में क्या होता है? वन सेंस ही होता है. कौन सा? सेंस ऑफ टच. फिर उसके बाद क्या आया? वॉटर. अब वॉटर किसके लिए? वॉटर मैनिफेस्ट हुआ सेंस ऑफ टेस्ट में. और वॉटर इसको भी रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट को. तो फिर क्या हुआ? प्लांट्स के बाद क्या आए? इंसेक्ट्स आए. और वो अपने फूड को ढूंढने के लिए मूव करने लगे. समझिएगा इस बात को. सबसे पहले अर्थ, उसके बाद वॉटर, फिर उसके बाद एयर. एयर के अंदर क्या हुआ? सेंस ऑफ स्मेल. और स्मेल जब चालू हुई, जो इंसेक्ट्स हैं उनके विंग्स आ गए. वो स्मेल करके अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते. जहां उनको स्मेल आती वो मूव करते जाते. ऐसे इवॉल्व हुए. और जो हमारा चौथा है वो क्या है? फायर. आपको पता है इफ वी हैव नो फायर इनसाइड वी बिकम ब्लाइंड. एंड व्हेन देयर इज नो फायर आउटसाइड, आउटसाइड देयर इज नो फायर, इट बिकम्स डार्क. फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइट को. तो लाइट ही नहीं है बाहर तो डार्कनेस, लाइट अंदर नहीं है तो ब्लाइंडनेस. तो फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? देखने को, साइट को, स्पेस. स्पेस से क्या होता है? सुनना. और इससे पांच सेंसेस वाला जानवर बन गया. ध्यान रखिएगा. फिर और इवॉल्व होते गए. पहले वन सेंस आए, फिर टू सेंस. वन सेंस अर्थ यानी कि सेंस ऑफ टच. सेकेंड सेंस वॉटर, सेंस ऑफ टेस्ट. थर्ड सेंस एयर, सेंस ऑफ स्मेल. फोर्थ फायर, सेंस ऑफ साइट. और सिक्स सेंस आ गया फिर. अब ये सिक्स सेंस क्या है? ध्यान से समझिएगा. हमारी जो पूरी गैलेक्सी है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं उसमें हमारी एक गैलेक्सी है, मिल्की वे बोल लीजिए, आकाश गंगा जिसको बोलते हैं. उसके अंदर हमारा सोलार सिस्टम है. उस सोलार सिस्टम में प्लैनेट्स हैं. हमारा प्लैनेट अर्थ भी है उसके अंदर. पर अगर आपको पता है कि ये कॉस्मिक जो पूरा है, कॉस्मिक स्पेस के अंदर ये जो सब टिके हुए हैं प्लैनेट्स वगैरह, ये किससे टिके हुए हैं? ग्रेविटी से. सब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. और अगर थोड़ा सा भी यहां वहां हो जाए तो क्या होगा? बिग बैंग, विस्फोट हो जाए भाई, मीटियोर्स आ जाए, टूटने लग जाए प्लैनेट्स. थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो. अब ऐसे बताया जाता है, अगर आप बाइबल पढ़े तो क्या बोला गया है? कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड. भगवान ने इंसान को खुद की इमेज में बनाया. कुरान में क्या लिखा है? सब कुछ अल्लाह से आया है. सब कुछ अल्लाह से आया है. समझ. भगवद गीता में क्या लिखा है? परमात्मा, परमात्मा की हम अंश मात्र आत्मा है. परमात्मा की हम अंश मात्र आत्मा है. समझ. किसी भी आप धर्म में देखेंगे तो यही बोलते हैं. कॉस्मिक, पूरा कॉस्मिक स्पेस के अंदर जो प्लैनेट टिके हुए हैं वो किससे टिके हुए हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. तो जो मेन कहते हैं ना क्वालिटी है, जो सेंस है, वो क्या है? मैग्नेटिज्म है जो एग्जिस्ट करता है सारे प्लैनेट्स के बीच में, हर चीज के बीच में. आप एप्पल गिराओगे तो कहां गिरेगा? जमीन पे, क्योंकि ग्रेविटी है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी जाओगे तो क्वार्क, उसके अंदर जाओगे तो सेमी क्वार्क, सेमी क्वार्क के अंदर जाओगे तो सिंगल डायमेंशनल वाइब्रेशनल स्ट्रिंग. यानी हम लोग गॉड पार्टिकल से बने हैं एक, और वो जो गॉड पार्टिकल है वो कैसा है? सिंगल डायमेंशनल वाइब्रेशनल स्ट्रिंग.
जो हर वक्त वाइब्रेट करती रहती है, ऐसी स्ट्रिंग है। और उसकी क्वालिटी क्या है, अगर आप पूरे ह्यूमन की क्वालिटी देखेंगे तो मैग्नेट जैसी तो है, पेन प्लेजर, हमको कोई चीज पसंद आती है, हमको कोई चीज नहीं पसंद आती, राइट रॉन्ग, हम कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते, किसी को सही मानते हैं, किसी को गलत मानते हैं, ये इंसान की प्रवृत्ति है। फाइन, अंडरस्टैंड दिस, दिस इज आवर कोर नेचर, दिस इज आवर कोर नेचर। जिससे हम जानवरों से इंसान बने वो मेन सेंस क्या है, वो है कि हमारे अंदर वो सोचने समझने की शक्ति है, जिससे हम सही को सही मानते हैं और गलत को गलत मानते हैं। कि जिस इंसान ने इस मैग्नेट को अलाइन कर लिया, वो कहते हैं ना, इट डजेंट मैटर हाउ मच इंटेलिजेंस डू यू हैव, दैट मेक्स अ डिफरेंस। आप कितने बुद्धिमान हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप उस बुद्धिमानता को कितना अलाइन कर लेते हो हायर सोर्स से, इसलिए इससे फर्क पड़ता है। तीन पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों कि हाउ यू नीड टू अलाइन योर मैग्नेट विद दैट हायर मैग्नेट, कैसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उस अलाइनमेंट को कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पहला पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो आपके प्रीडोमिनेंट थॉट्स हैं, जो आपके प्रीडोमिनेंट एक्शंस हैं, वो पॉजिटिव होने चाहिए। जो हमारे को बनाया है उस परवरदिगार ने एक्चुअली, और जो हमारे अंदर सिक्स सेंस डाला है, वो मैग्नेट की क्वालिटी डाली है एक्चुअली, उसको अगर आपको अलाइन रखना है तो पहली चीज जो आपको करनी होगी कि आपके प्रीडोमिनेंट जो थॉट्स हैं उनको आपको पॉजिटिव रखना होगा। जिस रास्ते पे आपको बढ़ना है, जिस मुकाम को आपको छूना है एक्चुअली, तो आपकी मैग्नेट जो है वो अलाइन रहेगी दोस्तों, वो अलाइन रहेगी आपकी मैग्नेट। एक्चुअली कहते हैं ना, गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप बनाना चाह रहे और वही सारे काम कर रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, है? बीवी सोच लीजिए सर सोचिए। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वह आपकी जो डिजायर्स है, इट शुड बी इन कॉन्ग्रुएंस विथ योर एक्शंस। आपकी जो डिजायर्स है पर आपके जो एक्शन ले रहे हो आप उसके लिए, वो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है, वो अलाइंड ही नहीं है उससे। सर हाँ, बॉडी बनाना चाहते हैं, सिक्स पैक्स, एब्स, हाँ सर हमारे को बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। सर पसंद नहीं है सर ये ग्रीन वेजिटेबल सलाद वगैरह, मुझे स्प्राउट्स वगैरह अच्छा नहीं लगता। ये क्या सर, हम लोग पनीर खाते रहे डिनर के बाद के, मीठा नहीं मिले तो नींद नहीं आती सर मुझे तो। बट इफ योर डिजायर्स आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विथ योर एक्शन, यू कैन नॉट अलाइन योर सेल्फ। और ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा, फिर जानवर ही रहेगा एक्चुअली। देखिए नहीं, कुछ डॉग्स, पालतू जो डॉग्स होते हैं उनको बहुत खिला देते हैं और उनको वॉक नहीं कराते तो मोटे हो जाते हैं, पर वो खुद थोड़ी ना सोच पाता है डॉग कि मैं वॉक पे रोज जाऊंगा यार, जिससे मैं पतला हो जाऊंगा, क्योंकि जानवर है। पर इंसान सोच सकता है कि मैं अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को लेके आऊं। भाई अपने एनर्जी लेवल को हाई रखिए। हमारे को यहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कहां से ले रखा है कनेक्शन? सर डोमेस्टिक कनेक्शन है, नीचे मीटर है, वहां से आ रही है। अगर यहां पे मैं फैक्ट्री खोल दूं एक, तो कहां से कनेक्शन लेना होगा? तो पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए सर। डोमेस्टिक कनेक्शन तो फ्यूज उड़ जाएगा। अब आपके सपने सोचो कितने बड़े हैं जिंदगी के अंदर, कितने बड़े अरमान लेके चल रहे हो आप अपनी लाइफ के अंदर। सोचेगा उच्चू पुच्चू बनना है क्या? अरे बोल रहे थे आई एम लेजेंड, आई एम चैंपियन, बोला था आपने अभी आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूं सर, मैं कुछ बड़ा करूंगा अपनी जिंदगी में। तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? डोमेस्टिक? नहीं, उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और ज्यादा एनर्जी कहां से मिलेगी? तभी तो जाना पड़ता है दरगाह पे, तभी तो मस्जिद जाता है इंसान, तभी तो जाता है गुरुद्वारे, तभी तो जाता है झारखंड महादेव जी या फिर जाता है गोविंद देव जी, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है, जो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो हमारी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में जाएगी। जब हम स्टिल वे में वहां पे बैठेंगे
हम थोड़ा शांत रहकर हम उस साइलेंस के अंदर, एक तो शरीर की एनर्जी होती है ना जो एक्सरसाइज से मिल जाती है, कार्डियो एक्सरसाइज कर लो थोड़ी, पर एक हायर एनर्जीज होती है और आपको उन एनर्जीज की जरूरत है, समझिएगा। हमसे एक इंसान नहीं संभल रहा, हम खुद और कुछ लोग लाख लाख लोग संभाल लेते हैं। हमसे एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभल रही, हमसे चार काम नहीं संभल रहे, कुछ लोग इतनी ऑर्गेनाइजेशन संभाल लेते हैं, इतने लोगों को संभाल लेते हैं। एंड द रीजन इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। सम हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड सम हैव लोअर एनर्जी लेवल्स। एंड एनर्जी लेवल्स इज नॉट अबाउट हाउ मच एक्टिव यू आर। इसको देख के तो लगता है ये बहुत एक्टिव रहता है या बहुत एक्टिव रहती है। इट्स योर मेंटल एनर्जी लेवल दैट कैन ओनली कम विथ हायर पावर। समझिए, तो उस मैग्नेट को राइट करना है, उस मैग्नेट को अलाइन करना है। सोचिए, थिंक अबाउट इट। बहुत अच्छा। देखिए, एक अच्छा प्रश्न है, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। फोकस इज सेइंग नो टू 99, सेइंग यस टू 1। 99 चीजों को ना कहना, एक चीज को हां कहना। पर 99 चीजों को ना कौन कह पाते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है। इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी कैसे आपकी? विल पावर एक इनसाइड स्टोरी है, आउटसाइड स्टोरी नहीं है। कोई बाहर से आपको विल पावर की गुट्टी नहीं दे सकता, या आपको अपने अंदर स्ट्रांग बनानी होगी। माइंड की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों, इन्वेस्ट ऑन अ डेली बेसिस। अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यह सुधर गया ना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे लोगों से जुड़िए जो माइंड की पढ़ाई कराते हैं, ऐसे लोगों से चिपकिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनसे बात करिए। ये मैथ साइंस फिजिक्स ठीक है सर, ये कॉमर्स आपकी आर्ट सब्जेक्ट ठीक है सर, ये गवर्नमेंट जॉब्स, ये पोजीशंस वो पोजीशंस ठीक होंगी सर। आपने अपना मगज ठीक नहीं किया ना डेली बेसिस पे, तो बहुत मुश्किल है जिंदगी में आगे बढ़ना दोस्तों। कई बार लोग बोलते हैं, सर इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हो आप बोलते हुए? क्योंकि दिल से बोलता हूं यार, दुख होता है बहुत ज्यादा। मन करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे भारत के अंदर, क्यों माइंड की पढ़ाई को ये अंग्रेज लेके चले गए अपने साथ। एक्चुअली ये सिर्फ क्यों टॉप लोगों को ही दी जाती है ये वाली पढ़ाई? ये सिर्फ कंपनी के मैनेजर्स, कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर्स, इन सब लोगों को पढ़ाया जाती है सारी बातें। बाकी तो क्लर्क बने हुए हैं सबके सब, बाकी तो छुट्टी पुट्टी नौकरियां ढूंढ रहे हैं सबके सब। एक्चुअली बाकी तो सब सिक्योरिटी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, थोड़ा सा सिक्योर हो जाऊं, ये कर जाऊं, वो कर जाऊं। क्या देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग बट देयर इज नो लिमिट फॉर ह्यूमन पोटेंशियल। सब चीजों की लिमिट है दोस्तों, पर इंसान की क्षमताओं की लिमिट नहीं है। और एक ढंग का गुरु मिल जाता है ना दोस्तों, एक ढंग का गुरु मिल जाता है, वो आपको रियलाइज कर देता है क्या कर रहा है क्या कर रहा है भाई। वो कहानी है ना, एक भिखारी बैठा हुआ था बक्से के ऊपर और भीख मांगता था मांगता था मांगता था। एक दिन एक मास्टर आया और बोला, इस बक्से में क्या है? वो मास्टर जाता था रोज तो उस भिखारी को पैसे नहीं देता था, तो भिखारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे क्या पता क्या है। मास्टर फिर कहता है, देखो एक बार कि इस बक्से में क्या है। तो भिखारी कहता है, अरे टाइम वेस्ट मत करो, कब से बैठा हुआ हूं इस बक्से पे मैं, क्या होगा इस बक्से के अंदर, कुछ भी नहीं है इस बक्से में। मास्टर फिर कहता है, अरे देख ले इस बक्से में क्या है। तो वो उसे पिंड छुटाने के लिए उस बक्से को के ताले को तोड़ता है और खोलता है, तो उसमें ट्रेजर्स मिलते हैं उसको। और एक कहानी याद आती है जब, तो हमको अपने गुरु याद आ जाते हैं और हमको आप लोग याद आ जाते हो दोस्तों। कि कुछ लोग आपको बताना चाहते हैं कि आपने खजाना छुपा हुआ है अंदर ही, कहां भाग रहे हो दोस्त? आपके अंदर असीम क्षमताएं हैं, कहां जा रहा है मेरे भाई? क्यों अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है सुसाइड के साथ? क्यों स्ट्रेस टेंशन में रहता है? क्यों सोचता है कोई आएगा गॉड फादर जो तेरी जिंदगी को ठीक करने वाला है? क्यों सोचता है भगवान तेरे पे कृपा कर दे और तेरे पास पैसा आ जाए, भगवान अगर ये कर देंगे तेरी तकदीर बदल देंगे, काश तेरे को कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो तेरे को ट्रेनिंग दे दे, काश तेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए? क्यों? तेरे अंदर है सब कुछ, तेरे अंदर है सब कुछ यार, तू उन क्षमताओं को तो पहचान। लोग जुड़ जाएंगे तेरे साथ ऐसे जो तेरे को बदलने के लिए काम करेंगे, उस भाव के साथ तो रहे। एक्चुअली इस भाव को रखिए दोस्तों, माइंड की पढ़ाई को कम मत मानिए।
यही है जिससे आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने वाले हैं। एक साधारण बाप के साधारण बेटे हो सकते हैं, आप बेटी हो सकते हैं, पर आपका बेटा और बेटी जो होगा वो साधारण मां बाप का नहीं होगा अगर आप माइंड की पढ़ाई करोगे तो। सच बता रहा हूं आपको ये बात। इसके लिए ओपन हुई, जस्ट बी ओपन टू दैट। कहीं से भी मिले, किधर भी हो पूरी दुनिया के अंदर, आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे YouTube चैनल्स को ढूंढिए और डेली बेसिस पे जैसे नहाते हैं ना वैसे डेली बेसिस पे अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कैसे मिराकल होने लग जाएंगे। दैट्स लाइफ। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ।